हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। हमें तुम्हारे जो आरपीएफ एसआईआर पीवीएसआर प्रश्न देना शुरू कर जगह तुम्हारे 2018 एग्जाम होटार सीपीटी प्रश्न। तो आज के तरह 4 नम्बर पार्टी देखे नब। एर आगे हमें 3 पार्ट दिए देखे जरा अवश्य जो जरा देखो तरज लिंक हमें डिस्क्रिप्शने दिए देो से तुम्हारा सेगल पे जाओ। तुम्हारा देखो आरपीएफ कन्स्टेबल अनेक पार्ट अपलोड करी पीवीएसआर प्रश्न, तो जर प्रयोजन अवश्य देखे नियो सेटार लिंक हमें डिस्क्रिप्शने दिए देव। तो जरा चैनल नतून अवश्य चैनल सब्सक्राइब कर नियो, ये भिडियो तुम्हारा डेली ये चैने पे थको। तो देखो आज के 1 नम्बर प्रश्न कि बला। देखो बला नीचे कौन जंत्रे सोलेनोएड ए टरोएड संमिश्रण व्यवहार कर उच्च चुंबक क्षेत्र तैरी है। तो ये राइट आंसर क्यों? हमें शुद्ध सठिक उत्तर बोले देव, ठीक है? तुम्हारा निजेरा करते कि तुम्हारा देखो और भिडियो शेषे तुम्हारा कमेंट कर जाना जो तुम्हारा कतगुली करते पाले। टोटल एखे 48 प्रश्न आए, ठीक है? तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे सिनक्रोटन हो जाए तुम्हारे सठिक उत्तर, ठीक है? बी अपशन एट राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 2 नम्बर प्रश्न बला कि यमुना नदी डैश ए गंगा मिलित हो। राइट आंसर हो जाए कि यमुना नदी इलाहाबाद गंगा मिलित हो, ठीक है? सी अपशन तुम्हारे ये राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला किए बिग बैंग तत्वटी उत्थापन करें। तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे बिग बैंग तत्वटी उत्थापन करें जॉर्जेस लिमेट्री हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर, ठीक है? सी ऑप्शन जॉर्जेस लिमेट्री एटर सठिक उत्तर। पर प्रश्न कोनो काटा बा आघात जगह किछु समय पर जमाट बेधे जाए, ठीक है? ये डैशर आवरण। तो ये राइट आंसर क्या? कोनो काटा बा आघात जगह किछु समय पर जमाट बेधे जाए, तो ये किसेर आवरण? तो ये सठिक उत्तर हो जाए फ्राइबिन हो जाए तुम्हारे राइट आंसर, ठीक है? सी ऑप्शन हो जाए तुम्हारे सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो विख्यात जामा मस्जिद कौन शासक द्वारा निर्मित हो। तो ये सठिक उत्तर हो जाए जी से हे जामा मस्जिद जे शासक समय निर्मित होती हे शाहजहान हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर, ठीक है? बी ऑप्शन ये तुम्हारे सठिक उत्तर। सेटगुल भलो लगले अवश्य एक लाइक कर दिओ तुम्हारा और एकटू कष्ट भिडियो शेषे बंधुदेर एकटू शेयर कर दिओ, ठीक है? 6 नम्बर प्रश्न बला देखो बक्सिंग खेलार माठ के बला है कि। तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे रिंग बला थे, बी ऑप्शन तुम्हारे ये सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखो बला एक द्विबीजपत्री पतार ऊपर और नीचे एपिडार्मिसर मध्य पावा जाए। तो ये सठिक उत्तर क्या? राइट आंसर हो जाए मेसोफिल, बी ऑप्शन ये तुम्हारे सठिक उत्तर, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखो बला बर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या कत? तो ये सठिक उत्तर हो जाए जी से हे बर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या हो जाए 545। तो ये ऑप्शन तुम्हारे ये राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला भारत काँचा रेशम बृहत्तम उत्पादक हलो। तो ये सठिक उत्तर हो जी से हे भारत काँचा रेशम बृहत्तम उत्पादक हो जाए कर्णाटक, तुम्हारे ये राइट आंसर, ठीक है? सी ऑप्शन ये तुम्हारे सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो बला इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एसआई एकक कि। तो ये सठिक उत्तर जी से हे कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एसआई एकक हो जाए जी से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? सी ऑप्शन तुम्हारे ये राइट आंसर। पर प्रश्न देखो बला सबुज विप्लवर जनक बला है काके? खूब ही सहज एक प्रश्न, ये राइट आंसर हो जाए जी से हे एम एस स्वामीनाथन, यटर सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखो बला चेन्नई समुद्र बंदर जानजट कमाते कौन बंदरटी निर्मित हो। तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे चेन्नई बंदर भीड़ मैंने जानजट कमाते चाप तुम्हारे कमाते जो बंदरटी निर्मित होती हे एन्नोर बंदर, बी ऑप्शन ये तुम्हारे राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम अवस्थित, तो राइट आंसर की क्या कोथाय अवस्थित? ये एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई अवस्थित, ठीक है? डी ऑप्शन हो जाए तुम्हारे ये सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो बला कि तुगलकाबाद शहर के प्रतिष्ठा करें। तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे तुगलकाबाद शहर की प्रतिष्ठा करें गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है? बी ऑप्शन हो जाए तुम्हारे ये सठिक उत्तर। पर प्रश्न देखो बला कि बांग्लादेशे जातीय संगीत आमार सोनार बांगला के रचना करें। तो अनेक परीक्षा प्रश्नटी बार बार आसे, ये सठिक उत्तर हो जाए जी से हे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, ए ऑप्शन तुम्हारे ये राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला कि नीचे कौन पुरस्कार बीसीसीआई एर वार्षिक पुरस्कार अंतर्भुक्त नय। तो ये राइट आंसर क्या? चार्टे ऑप्शन तुम्हारा पढ़ले ही बुझते ये आंसर हो जाए जी से हे आजलन शाह कप, सी ऑप्शन ये बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार अंतर्भुक्त नय, सी ऑप्शन ये तुम्हारे राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला नीचे कौन शहर चालुक्य राजधानी छिल। तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे चालुक्य राजधानी छिल जे शहर से बतापी बदामी हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर। कखनो बदामी देया थाके कखनो कोनो कोनो जायगाय बतापीओ देया थाके, ठीक है? नेक्स्ट देखो बला लोकसभा सदस्य मेयाद कत बचर।
तो ये राइट आंसर हो जाए 5 बचर। खूब ही सहज प्रश्न। नेक्स्ट देखो बला कि दिल्ली की धरण राज्य, तो 4 अपशन मध्य सठिक उत्तर ठीक है ए अपशन हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर। ठीक है दिल्ली हो जाए जातीय राजधानी अंचल एवं केंद्रशासित अंचल। ठीक है ए अपशन तुम्हारे ये सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो बला नीचे कौन जातेर गवादी पशु दूटी काजे व्यवहित है, तो ये सठिक उत्तर दिया एंगोल। ठीक है डी अपशन तुम्हारे ये राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 21 नम्बर प्रश्न बला कि कौन समयकाल के भारतीय फुटबल इतिहास स्वर्णजुग बला है, तो ये सठिक उत्तर क्या है खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय फुटबल इतिहास स्वर्णजुग बला है जी से 1951 से 1962 हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर। ठीक है डी अपशन तुम्हारे ये सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखो बला जी भारत कौन राज्य सर्वाधिक संख्यक कॉटन टेक्सटाइल मिल रही है, तो ये राइट आंसर क्या है कॉटन टेक्सटाइल मिल सर्वाधिक रही है जे राज्य से हो जाए तुम्हारे महाराष्ट्र सबथे बेसि आज सी अपशन ये तुम्हारे राइट आंसर। 23 नम्बर प्रश्न देखो बला कि सूचीकर्मेर विख्यात शिल्प गोटा डैशर साथे सम्पर्कित, तो ये राइट आंसर क्या है देखो विभिन्न राज्य नाम दिया है तो ये सठिक उत्तर हो जाए ये राजस्थान संगे सम्पर्कित। ठीक है बी अपशन तुम्हारे ये सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो बला दिल्ली कौन सुलतान टका और जितल मुद्रा चालू करें, तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे इलतुतमिश हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर डी अपशन ये तुम्हारे सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो 25 नम्बर प्रश्न बला जाए विख्यात रचना तुतिनामा डैशर राजत्वकाले रचित है, तो ये सठिक उत्तर हो जाए जी से हे ये रचित हो अकबर राजत्वकाले, तो बी अपशन तुम्हारे एखे ये सठिक उत्तर। पर प्रश्न देखो बला एक वस्तुर गतिशक्तर परिवर्तन वस्तुर ऊपर क्रियाशील मोट शक्तर समान, ये वक्तव्य कार साथे सम्पर्कित, तो 4 अपशन मध्य राइट आंसर हो जाए जी से हे वक्तव्य कर्मशक्ति तत्व वर्क एनर्जी थिरम संगे जुक्त। ठीक है सी अपशन तुम्हारे एटर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला जो भारतीय संसदे दुटी कक्षर मध्य कौनटर सभापतित्व करें स्पीकार, तो ये सबाई पर आशा करी ये राइट आंसर हो जाए लोकसभा, ये तुम्हारे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो बला जो कौन तारीखे जल विशुभ है, तो ये सठिक उत्तर जेटी से हे जल विशुभ हो 23 सेप्टेम्बर, तो डी अपशन तुम्हारे एटर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो बला हिंदुस्तानी संगीत एक शैली खेयाल एर अर्थ क्य, तो ये राइट आंसर क्या खेयाल कथाटर अर्थ हो जाए जी से हे कल्पना तुम्हारे एखे ये राइट आंसर। ठीक है डी अपशन ये हो जाए तुम्हारे सठिक उत्तर। पर प्रश्न देखो बला नीचे कौन कक्षर सदस्य बयस 25 बचर कम हवा उचित नय, तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे लोकसभा तुम्हारे ये राइट आंसर। ठीक है डी अपशन ये तुम्हारे सठिक उत्तर। पर प्रश्न देखो बला न्यूनतम समर्थन मूल्य एर साथे सम्पर्कित, तो 4 अपशन मध्य सठिक उत्तर ठीक है देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य जेटा बला MSP, तो ये कार साथे सम्पर्कित ना कृषि उत्पादन संगे ये सम्पर्कित, बी अपशन हो जाए तुम्हारे सठिक उत्तर। पर प्रश्न देखो बला कि कार स्थितिर उद्देश्य आधुनिक अलिम्पिके मैराथन दौड़े प्रचलन है, तो ये राइट आंसर क्या सठिक उत्तर हो जाए फिलिपिड्स हो जाए तुम्हारे ये राइट आंसर। ठीक है डी अपशन फिलिपिड्स हो जाए तुम्हारे एटर सठिक उत्तर। पर प्रश्न देखो राज्यसभा सदस्य संख्या सर्वोच्च कत, तो ये राइट आंसर हो जाए जेटी से हे राज्यसभा सदस्य संख्या सर्वोच्च हो जाए 250, सी अपशन हो जाए तुम्हारे एटर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो बला नीचे कौन गैसियों ग्रह वपर गैसियों दैत्य नामे परिचित, तो ये राइट आंसर हो जाए जी से हे गैसियों ग्रह बृहस्पति हो जाए तुम्हारे ये सठिक उत्तर। ठीक है सी अपशन ये तुम्हारे राइट आंसर। पर प्रश्न देखो बला मानव उन्नयन सूचके स्वास्थ्य उपादान परिमाप करा है, तो ये राइट आंसर क्या देखो डी अपशन हो जाए तुम्हारे ये सठिक उत्तर। ठीक है जन्मे समय जीवन प्रत्याशा अनुसारे, ठीक है डी अपशन ये राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बला भारतीय शासन व्यवस्था केंद्रशासित अंचल संख्या कत, खूब ही सहज एक प्रश्न, तो ये एक बारे कि तुम्हारा यार अन्सार कमेंटे जाओ। ठीक है यत सहज प्रश्न तुम्हारे एबारे मन एस आसबा, तो ये राइट आंसर जी से तुम्हारा कमेंटे जाओ। ठीक है नेक्स्ट देखो बला नीचे कौन जोड़ाटी भूल भावे मिले भूल, ठीक है 4 अपशन मध्य जेटी भूल से कौनटी, तो ये देखो ए अपशन आज शिलम्बम, बी अपशन लाठी, तपर देखो सी अपशन आज कालरिया पट्टू और डी अपशन आज गाटका, तो ये नामगुलो दिया आछे एगुलो हच्छे एक एक मार्शल आर्टर नाम। ठीक है शिलम्बाम कालरिया पट्टू
গাটকা এগুলো সব হচ্ছে একটা মার্শাল আর্টের নাম, যেগুলো এই দেখা যায় তামিলনাড়ুতে, কেরালা, পাঞ্জাব এক একটা জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই দেখো বি অপশানে আছে লাঠি, তো এটার সঙ্গে কর্ণাটকের কোনো মিল নেই, তো তোমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে বি অপশান, ঠিক আছে, এটি ভুলভাবে মিলেছে। নেক্সট দেখো বলা হয়েছে কি, নিচের কোনটি পারমাণবিক চুল্লিতে পানির সম্পূর্ণ ইলেকট্রোলাইসিস দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং একটি মডারেটর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তো এটি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে, যেটি সেটি হচ্ছে ভারী জল, এখানে তোমাদের এটির সঠিক উত্তর। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, বলা হয়েছে নিচের কোনটি রঙের অশুদ্ধি শোষণ করে এবং দ্রবণকে বর্ণহীন করে। তো এটি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে, যেটি সেটি হচ্ছে অ্যানিম্যাল চারকোল হয়ে যাবে তোমাদের এখানে এটি রাইট অ্যান্সার, ডি অপশান তোমাদের এটির সঠিক উত্তর। নেক্সট দেখো 40 নম্বর প্রশ্ন, বলা হয়েছে রাজা রবি বর্মার সম্পর্ক ড্যাশ রাজ্যের সাথে যুক্ত। তো এটি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে, যেটি রবি বর্মা কোন রাজ্যের সাথে যুক্ত, না এটি রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে, কেরালা হয়ে যাবে তোমাদের এখানে এটির সঠিক উত্তর। পরের প্রশ্ন বলা যাবে পৃথিবীর বাইরের স্তরকে কী বলা হয়। তো এটির সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পৃথিবীর বাইরের স্তরকে বলা হয় থাকে ভূত্বক, এ অপশান তোমাদের এটির রাইট অ্যান্সার। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, বলা হচ্ছে উদ্ভিদের ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণুর বিন্যাসকে কী বলে। রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে যেটি সেটি হচ্ছে বি অপশান, অপরান্নাস। নেক্সট দেখো 43 নম্বর প্রশ্ন, WTO-র মতে দেশের সীমানা জুড়ে পণ্য ও পরিষেবা পুঁজি ও শ্রম শক্তির অবাধ চলাচলের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে অর্থব্যবস্থার গতিকে বলে কী। তো এটি সঠিক উত্তর যেটি হবে সেটি হচ্ছে বিশ্বায়ন, ডি অপশান তোমাদের এটির রাইট অ্যান্সার। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, বলা হয়েছে কোন সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যগুলি যোগ করা হয়েছিল। তো খুবই সহজ একটা প্রশ্ন, এটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 42তম সংশোধনী তোমাদের এখানে এটি রাইট অ্যান্সার, 1976 সালে 42তম সংশোধনী হয়ে যাবে এটি রাইট অ্যান্সার। এবং বর্তমানে মৌলিক কর্তব্যগুলি আছে ধারা 51A-তে, এবং এই যে 42তম সংশোধনীতে তোমাদের মৌলিক অধিকারগুলি যোগ করা হয়েছিল, এটি আরেকবার মানে অ্যাড করা হয়েছিল, যেটি সেটি হচ্ছে তোমাদের 86তম সংবিধানে আরও কিছু অ্যাড করা হয়েছিল 2002 সালে। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, বলা হয়েছে কি FCI সময়ে সময়ে খোলা বাজারে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে গম বিক্রি করে, একে বলা হয় কি। তো এটি রাইট অ্যান্সার যেটি হবে সেটি হচ্ছে একে বলা হয়ে থাকে খোলা বাজার বিক্রয় প্রকল্প, ঠিক আছে, ডি অপশান তোমাদের এটির রাইট অ্যান্সার। নেক্সট দেখো 46 নম্বর প্রশ্ন, বলা হয়েছে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় কবে। তো বহুবার এই প্রশ্নটির আগে সেটাও তোমরা দেখেছো, তো এটির অ্যান্সার তোমরা কমেন্টে জানাও, ঠিক আছে, এটি আর আমি বলছি না। নেক্সট দেখো 47 নম্বর প্রশ্ন, বলা হয়েছে ভারতের সবচেয়ে নবনির্মিত রাজ্যটি হলো। তো এটির অ্যান্সারও তোমরা কমেন্টে জানাবে, তোমাদের জন্য এই প্রশ্নটি রইলো, ঠিক আছে, যে প্রশ্নগুলো সব থেকে সহজ সেই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তোমরা কমেন্টে দেওয়ার চেষ্টা করো, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো আজকে সেটির লাস্ট প্রশ্ন, এটি বলা হয়েছে 3রা জুন 1947 কোন গভর্নর জেনারেল একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, যেটি 3রা জুন পরিকল্পনা নামেও পরিচিত কিন্তু, ঠিক আছে, এটি তো এটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে, যেটি সেটি হচ্ছে লর্ড মাউন্টব্যাটেন হয়ে যাবে তোমাদের এটির রাইট অ্যান্সার, সি অপশান এটির সঠিক উত্তর, যেটিকে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাও বলা হয়ে থাকে, ঠিক আছে, এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য। তো আজকের সেটটি এটি লাস্ট প্রশ্ন ছিল, সেটটি ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা লাইক করতে ভুলো না, এবং যারা নতুন আমাদের চ্যানেলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, তোমরা পরবর্তীকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের ভিডিও এই চ্যানেলে দেখতে পাবে, ডেলি তোমরা চ্যানেলটি ফলো রেখো, এবং বন্ধুদের অবশ্যই একটু শেয়ার করে দিও তোমরা ভিডিওটি। ধন্যবাদ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য।